हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आई जस्ट होप आप बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे हार्ट केयर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सीरियस हार्ट प्रॉब्लम एंजिना पेक्टोरिस के बारे में, और साथ ही ये भी देखेंगे कि कौन से नेचुरल तरीकों का इस्तेमाल करते हुए हम इस प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हैं। चलिए फिर बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब दिल को ऑक्सीजन और दूसरा पोषण प्रदान करने वाली नस, जो कि एक्चुअल में कोरोनरी आर्टरी होती है, वो ब्लॉक हो जाती है, तो छाती के बीचों बीच हल्का या तेज़ दर्द होना शुरू हो जाता है, और ये दर्द यहाँ से लेकर पूरे बाएं हाथ में फैल सकता है। जब ब्लॉकेज हल्का फुल्का होता है तो ये पेन भी कभी कभी होता है और कुछ देर होकर रुक जाता है। इस पेन को विज्ञान की भाषा में एंजिना पेक्टोरिस कहा जाता है। एंजिना पेक्टोरिस में पेन के साथ साथ सांस फूलना, ठंडे पसीने आना, दिल घबराना और दम घुटना जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, और सांस खींच खींच कर लेने का दिल करता है। ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं फ्रेंड्स, जिनकी मदद से दिल की बंद होती नसों को शुरुआत में ही पहचाना जा सकता है। दिल की बंद नसों की जांच के लिए एक माइनर या फिर सर्जिकल प्रोसीजर होता है, जिसको एंजियोग्राफी कहा जाता है। जब ये दर्द ज़्यादा बढ़ जाता है तो पेशेंट को इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, जिसमें पहले ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि ब्लॉकेज कौन सी स्टेज में है। अगर ब्लॉकेज कम है तो डॉक्टर इसको एंजियोप्लास्टी की मदद से बिना सर्जरी के ही फिक्स करने की कोशिश करते हैं, जिसमें एक खास किस्म का स्प्रिंगनुमा छल्ला, जिसको स्टेंट बोला जाता है, उसको ग्रोइन एरिया या फिर हाथ की वीन या शिरा के माध्यम से कैथेटर की मदद से कोरोनरी आर्टरी के उस भाग तक पहुंचाया जाता है जहां पर ब्लॉकेज होता है। अगर एंजियोप्लास्टी पॉसिबल नहीं हो पाती है तो रोगी को बचाने के लिए बड़ी सर्जरी की आवश्यकता होती है। यहाँ पर मैं कुछ नेचुरल तरीकों के बारे में बता रही हूँ, जिनका प्रयोग करके हार्ट ब्लॉकेज को रोका जाने में मदद मिल सकती है, और अगर हल्का फुल्का ब्लॉकेज है तो उसमें भी ये काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जिंजर डिकॉक्शन या फिर अदरक का काढ़ा के बारे में। तो 2 ग्राम अदरक का पाउडर लेकर आपको 1 ग्लास पानी में पकाना है, और छानकर दिन में 2 बार इस एक ही ग्लास को पीना है। दूसरा है अ क्लोव ऑफ गार्लिक। लहसुन की एक कली लेकर आपको उसको मैश कर लेना है और शहद में मिलाकर निगल लेना है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो शहद की जगह पानी का ही आप इस्तेमाल करें। आगे बताऊंगी मैं अर्जुन की छाल के बारे में। तो 1 ग्राम अर्जुन की छाल का काढ़ा बनाकर दिन में 2 बार आपको पीना होता है। काढ़ा बनाने की विधि वही है जो अदरक का काढ़ा बनाने की होती है। नेक्स्ट है सिंघाड़ा, सिंघाड़े की गिरी का पाउडर। तो सिंघाड़े की गिरी का पाउडर 3 ग्राम दिन में 2 बार आप हल्के गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें। फिर है क्यूमिन वाटर, क्यूमिन या फिर ज़ीरा, जो कि किचन में भी आसानी से अवेलेबल हो जाता है। 3 ग्राम ज़ीरा लेकर उसका काढ़ा बना लें और दिन में 2 बार इसे कंज्यूम करें। गाइज, जड़ी बूटियों से प्रिपेयर प्योर हर्बल कैप्सूल प्रो वेलनेस मंत्रा हार्ट केयर भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसके लिए लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। गाइज, ये तो हुई हर्ब्स या जड़ी बूटियों की बात। अब बात करते हैं कि आपको क्या क्या परहेज करना होता है। आपको सभी कैलोरी रिच डाइट, चाहे वो फैटी डाइट हो या स्वीट, सभी को कम से कम कर देना होता है। ये मत सोचें कि ऑयली चीज़ें ही कोलेस्ट्रॉल बनाती हैं। आपको बता देना चाहती हूँ कि जब हम ज़रूरत से ज़्यादा मीठा खाते हैं तो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म के बाद ये एक्स्ट्रा शुगर फैट में तब्दील हो जाती है, और ब्लड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स भी बढ़ जाता है, जिससे ब्लॉकेज के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। डॉक्टर की सलाह से कोई अच्छा ओमेगा 3 सप्लीमेंट लें। ओमेगा 3 फैटी एसिड रक्त में खराब कोलेस्ट्रॉल कम करने में हेल्प करता है। इस खाने में वेजिटेबल ऑयल जैसे सोयाबीन, सनफ्लावर या फिर ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको थोड़ा महंगा तो पड़ेगा, लेकिन एवोकाडो ऑयल खाना बनाने में इस्तेमाल करें। एंजिना की बीमारी में डॉक्टर वज़न उठाने या तेज़ दौड़ने को मना करते हैं, लेकिन सामान्य गति से आपको रोज़ाना ही लगभग आधा घंटा सुबह शाम टहलना है। ध्यान रहे, अगर आपको किसी भी वजह से अपच यानी खाना हजम होने में प्रॉब्लम हो रही है और गैस, एसिडिटी आदि की प्रॉब्लम है, तो तुरंत ही इसका इलाज कराएं। खराब डाइजेशन न केवल शरीर को मिलने वाले नरिशमेंट को कम करता है और लिवर, किडनी को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ ब्लड कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाता है। बॉडी पर वसा के जमने को प्रमोट करता है और दिल का दबाव पैदा करता है। तनाव और अवसाद से जितना हो सके उतना बचें, ये भी हार्ट अटैक और दिल की प्रॉब्लम्स के बड़े रीजंस हो सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। आई होप आप सभी को मेरा कॉन्टेंट और मेरी मेहनत पसंद आई होगी। तो बस अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हमारे साथ बने रहने के लिए प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए तो मैं चलती हूँ, फिर से एक नई वीडियो लेकर आपके सामने आऊँगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।